हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनिता केयर्स किचन में। तो आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी से मलाई कोफ्ता। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो में बने रहे, जरूर दे रखे पूरा वीडियो। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, देख तो सकते चलिए हैं शुरू करते एक पत्ता गोभी हमने कद्दूकस करके ले लिए हैं और पानी निचोड़ के ले लिए हैं। तो अब एक कोई सा भी बर्तन लेंगे जिसमें हम पलट लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी लहसुन अदरक हरी मिर्च जो कि हमने बारीक कूट लिए हैं और एक प्याज बारीक कटी हुई। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालेंगे हम 3-3 चम्मच करके हमने कॉर्नफ्लावर, मैदा और बेसन तीनों चीज लिए हैं। तो उसमें पहले हम 1-1 चम्मच सब चीज ऐड करेंगे, डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच बेसन। दो दो चम्मच करके डाल देते हैं, मतलब जैसे ज्यादा कम मिक्स करने के बाद, या तो आप सारे चीज मिक्स करके ले लीजिए। तो तीनों चीज हम डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम नमक, तो नमक थोड़ी सी डाल दें, 1 आधी चम्मच से भी आधी चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी थोड़ी सारी मसाला चाहिए, थोड़ी 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 सी गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया पाउडर बिल्कुल हल्की सी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें और ऐड करना है, तो हम थोड़ी सी और ऐड करें 1-1 चम्मच करके। हम सारे को मिक्स कर लेते हैं। डाल दें 1 चम्मच, जितना आपको लगे इसमें उतना फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से हमें मैश कर लेनी है। इसमें हाथ से मैश कर रहे हैं, पानी वानी डालने की जरूरत नहीं है, देख सकते हैं। खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है, देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं। तो और हमें थोड़ी सी डालनी है, तो हम सारे यूज कर लेना है जितना लिए हैं। तो हम एक पत्ता गोभी लिए थे कद्दूकस करके, देख सकते हैं 3-3 चम्मच सारे चीज यूज किए हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं, तो देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लिए हमने। अब इसका छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे लड्डू जैसे बना लेते हैं, गोल गोल सी, देख सकते हैं इस तरीके से। प्लेट में हम रख रहे हैं इसी तरीके से ना, अरे बना के ले लेनी है। देख सकते हैं सारे हम बना के ले लिए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो एक बर्तन में हम रिफाइंड ऑयल लिए हैं ढेर सारा, इसको अच्छे से गरम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं रिफाइंड हमारा गरम हो गया है। अब इसमें 1-1 करके बॉल्स हम डाल रहे हैं। इसको अच्छे से पकने देते हैं। तो देख सकते हैं एक बार और चला लेते हैं, हल्के हाथों से घुमा देते हैं इसको। देख सकते हैं कितना कलर चेंज हो गया है।
एक दो मिनट के लिए और इसको फ्राई कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं इसको, तो देख सकते हैं फ्राई हो गया है ये। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमें सारे बॉल्स को फ्राई कर लेने हैं। फिर से हम सारे एक एक करके डाल दे रहे हैं। इसको हम फ्राई होने देते हैं। तो सारे ये भी हमारा फ्राई हो गया है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देते हैं, उसके बाद इसको हटा के अब ग्रेवी बना लेते हैं इसका। देख सकते हैं हमारा बनके तैयार हो गया है। अब एक कढ़ाई ले लिए हैं, इसको अच्छे से हम गरम कर लिए हैं। अब इसमें डाल रहे हैं सरसों का तेल। आप चाहे तो बटर में, घी में या रिफाइंड में बना सकते हैं। इसको अच्छे से गरम होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें डाल रहे हैं एक कद्दूकस करके प्याज लिए हमने, तो आप चाहे तो बारीक कट करके ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। प्याज हमारा भून गया है, अब इसमें डाल रहे हैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो कि हमने कूट के लिए थे, बारीक कूट लिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये भी हमारा भून गया है, लहसुन और अदरक जो हरी मिर्च हमने डाले थे ये भी भून गया है। अब गैस को हम कम कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे सारे मसाले। नमक स्वाद अनुसार, अब आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला। सारे को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो एक मिनट के लिए भून लेते हैं इसको कम आंच पे। उसके बाद हम दो पीसी हुई टमाटर डालेंगे, आप चाहे तो कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो मसाला को हमने एक मिनट के लिए भून लिए हैं। अब इसमें डाल रहे हैं दो टमाटर पीसी हुई, तो आप चाहे तो कद्दूकस करके ले सकते हैं। अब इसको हम एक दो मिनट के लिए भून लेते हैं। देख सकते हैं मसाला हमारा भून गया है। इसमें डाल रहे हैं पानी, एक कटोरी हम पानी लिए हैं, एक कटोरी पानी डाल दें। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। थोड़ी सी और ऐड करेंगे, इसमें आधा कटोरी और ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको उबाल आने देते हैं। तो देख सकते हैं उबाल आ गया है। अब इसमें हम जो बॉल्स बना के रखे थे उसको डाल दे रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। अब 5 मिनट के लिए गैस कम करके पका लेते हैं। गैस को हम कम कर दिए हैं, 5 मिनट पका लेते हैं इसको। तो देख सकते हैं ग्रेवी पक गया है, ये भी काफी सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें डाल दें हम हरा धनिया, इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अब हम डालेंगे मलाई, तो आप चाहे तो फुल क्रीम यूज कर सकते हैं, हम घर का मलाई बना हुआ यूज कर रहे हैं। तो देख सकते हैं 2 चम्मच के करीब है मलाई, इसको हम अच्छे से फेंट लिए इस तरीके से। अब इसमें डाल रहे हैं मलाई,
दो चम्मच डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं, गैस को बंद कर दे रहे हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया मलाई कोफ्ता। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। गर्मा गर्म मलाई कोफ्ता हमारा रेडी हो गया। खुशबू भी बहुत ही अच्छा आ रहा है और टेस्टी भी उतना ही बना है। देखिए हमारा मलाई कोफ्ता बन के तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के घंटी को दबाना ना भूलें। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।